दोस्तों, आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है और उसमें आपका यूट्यूब ऐप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यानी कि यूट्यूब में कोई वीडियो प्ले करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉब्लम को आप फिक्स करेंगे। रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन है, सारे स्मार्टफोन में एक जैसी सेटिंग होती है, मैं आपको जो सेटिंग बताऊँगा वही आपको सेटिंग करनी होगी। तो चलिए आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे आप सही करेंगे इसे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और सिंपल से आप अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही आप अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना है ऐप मैनेजमेंट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स हो सकता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ऐप लिस्ट मिलेगा, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू इस तरीके से मिलेगा। इस यहाँ से आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए, स्टोरेज यूज पे क्लिक करके क्लियर कैच कर दीजिए, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चलना है बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। इसे आप यहाँ से फोर्स स्टॉप कर दीजिए, स्टोरेज यूज पे क्लिक करके इसका क्लियर कैच कर दीजिए। क्लियर डाटा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होती है, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको सिंपल से ये सेटिंग करने के बाद आप अपने प्ले स्टोर पर आएंगे। तो प्ले स्टोर पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको डालना है यूट्यूब। क्या डालना है? यूट्यूब। यूट्यूब डालेंगे, यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब को अपडेट करना है, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपडेट मिला है यूट्यूब का, तो मैं इसे यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं अपडेट होने लगा है। जैसे ही पूरा अपडेट हो जाएगा, अब आपको यहाँ से एक बार बैक चलना है और यहाँ पर आपको अब डालना है सर्च बार में एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। इसे यहाँ से आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है, इसे यहाँ से थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू में। फिर आपको सिंपल से अपने पावर वाले बटन को दबा के रखना है, ठीक है, जैसे मैंने दबा के रखा है, और यहाँ से आप रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से रीस्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से बैक चले आइए, ठीक है, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा आपका। रीस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है यूट्यूब स्टार्ट, तो आपको एक ही काम करना है, फिर आपको सिंपल से अपने फ़ोन में जो जीमेल आपकी होगी, ठीक है, जो भी जीमेल लगी होगी यूट्यूब पे, ठीक है, उसे आपको रिमूव करके फिर से आपको उसे लॉगिन करना होगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।